यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। दिल्ली से सटे नोएडा के बरोला गांव में रात को सैकड़ों परिवार आग लगने से बेघर हो गए। दरअसल देर रात किसी कारण यहां एक झुग्गी में आग लग गई। देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और लगभग 200 झुग्गियां जलकर खाक हो गईं। इनमें रखा लाखों का सामान भी जलकर खाक हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की लगभग एक दर्जन गाड़ियां और कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। सेक्टर 50 में नाले के किनारे बुद्ध मार्केट में झुग्गियां लगी हुई है काफी संख्या में। उसमें लगभग 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी और सूचना मिलते के साथ ही मैं चीफ फायर ऑफिसर FSO इकोटेक 3rd यहाँ पे गाड़ियों के साथ पहुँचे। स्थिति देखी यहाँ पे तो और गाड़ियों की आवश्यकता हुई तो उसके बाद हमने कंट्रोल रूम को बताया और फेज 2 फेज 3 सेक्टर 58 ग्रेटर नोएडा से गाड़ी बुलाई गई। 10 गाड़ी मौके पर पहुँची है। सैकड़ों की संख्या यहाँ पे झुग्गियों की थी जो लगभग सभी झुग्गियाँ आग से जल गई हैं। आग से कोई जलने की कोई सूचना नहीं है। एम्बुलेंस हमारे साथ साथ पहुँची थी तो कोई ऐसा नहीं कि घायल मिला हो हमें अस्पताल भेजना पड़ा हो। हमारे आने से पहले अगर कोई गया है तो उसके बारे में पता किया जाएगा।